नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। RBI की तरफ से आज एक फैसला आता हुआ दिखा लगभग 2 बजे के करीब, और उसके बाद बैंक निफ्टी में जो मूव देखा आप सभी ने इंट्राडे में, हाई लगाया 45,384 का अगर बैंक निफ्टी की स्पेसिफिक बात की जाए तो, और क्लोजिंग आई है 45,156 के लेवल्स पे बैंक निफ्टी की, अराउंड 278 पॉइंट्स की तेजी। देखिए ये तो शुरुआत है, यहां पे बैंकिंग स्टॉक्स को पकड़ने के बारे में सोचो, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बड़ी और मतलब बड़ी खुशखबरी कहूंगा मैं डायरेक्टली, और एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इससे कितना फायदा होगा, कौन से स्टॉक को होगा, और अगर आपको पैसा लगाना है तो कहां पे लगाना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। पहले पूरी खबर समझते हैं। देखिए खबर यह है कि आपको याद होगा लगभग अभी से 3 महीने पीछे RBI ने एक फैसला लिया, उन्होंने देखा कि उनके 2000 के नोट पूरे मार्केट से गायब है, कुछ नोट्स अराउंड 30% समथिंग नोट गायब थे मार्केट से, तो वो नोट वापस लाने के लिए RBI ने कहा कि सितंबर 31 तक नोट आप जमा कर दो बैंक में, अदरवाइज आपके नोट की वैल्यू खत्म। उन्होंने पूरा वापस डिपो, ऐसा नहीं करा कि बंद कर दिया या नहीं, उन्होंने कहा कि हमें वापस चाहिए हमारा नोट, बस सिंपल, हमने जो इशू करे थे उतने बाजार में दिख ही नहीं रहे, ना बैंक में दिख रहे हैं ना कहीं और दिख रहे हैं, किसी ने अपने पास ब्लैक मनी के रूप में छुपा के रख लिया है, तो वो नोट वापस चाहिए हमें, अदरवाइज 31 सितंबर के बाद आपके उस नोट की वैल्यू हम नहीं करेंगे। तो वापस डिपॉजिट मंगाने के लिए RBI ने साथ ही साथ बैंकों को कहा कि आपका ICRR यानी इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जो है वो बढ़ा दिया, बैंकों को ज्यादा पैसा RBI के पास जमा करना पड़ रहा था, जिसके चलते अब बैंक, आप एक एग्जांपल समझिए, जब आप बैंक को पैसा देते हो ना, डिपॉजिट करते हो, मान के चलो आप 100 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक का काम क्या है आपसे डिपॉजिट करवा के आगे उसी पैसे को लोन के रूप में बांटना, आपको 5-4% का इंटरेस्ट देना, लेकिन आगे 12-15% का इंटरेस्ट बनाना, यही बैंक का बिजनेस है, यही धंधा है सिंपल लैंग्वेज में। अब बैंक ऐसा नहीं कर सकती कि आपसे 100 रुपए लिए और उस 100 के 100 रुपए को आगे लेंड कर दे, ये नहीं हो सकता, बैंक को 100 रुपए में से 10%, 20%, 25% RBI के पास रिजर्व रखना पड़ता है, उसके बाद बचे हुए पैसे को वो कहीं ना कहीं आगे यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो RBI ने कहा कि आपको हमारे पास पैसा अभी थोड़ा ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा। अब RBI ने जैसे देखा कि धीरे धीरे पूरे 2000 के नोट वापस आते हुए दिख रहे हैं, बैंक में पूरी रिकवरी आ गई है, तो RBI ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी ICRR में, यानी कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो में, कि अब ये जो कैश रिजर्व रेशियो है इसको कम कर दिया, इनफैक्ट खत्म कर दिया RBI ने, जितना बढ़ाया था 10% बढ़ाया था वो खत्म करने की बात करी है, लेकिन 3 हिस्सों में कम होगा, ये ऐसा नहीं है कि एक साथ कम, नहीं, ऐसा हुआ तो एडिशनल लिक्विडिटी बैंकों में पहुंच जाएगी जो पैसे को कहीं ना कहीं इधर उधर कर सकती है, इसलिए RBI ने 3 चरणों में इस पैसे, इस इंक्रीमेंटल जो कैश रिजर्व रेशियो था उसको कम करने की, खत्म करने की बात करी है। इसका पहला 25% तो आपके लिए कल से ही लागू हो जाएगा, यानी कि पहले अगर बैंक 10 रुपए जमा कर रही थी तो आप केवल 7.5 रुपए कर सकती है, ठीक है जी, 25% तो आपका छूट हो गई। 23 सितंबर से एडिशनल 25% आपका कम हो जाएगा, यानी कि पहले 10 करते थे अभी 7.5 कल से, फिर आपके लिए केवल 5 रुपए करने पड़ेंगे, और 7 अक्टूबर से जो RBI ने रिसेंटली पूरा 10% इंक्रीमेंट करा था वो पूरा खत्म, 50% जो बचा है उसे भी खत्म कर दिया जाएगा, दैट मीन जितना RBI के पास पहले बैंक पैसा रखती थी नॉर्मल उतना ही रखने की जरूरत है, कोई एडिशनल जमा नहीं करना, आपके लिए और हमारे लिए केवल 10% की बात है, लेकिन बैंकों के लिए इससे मोटा मुनाफा होता है, मोटी रकम होती है ये बैंकों के हिसाब से देखा जाए तो। अब बैंक क्या कर सकती है, ज्यादा लोन बांट सकती है, उनके पास लिक्विडिटी की कमी नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी। देखिए चाहे बैंक लोन बांट के खुद पैसा बनाए या कहीं से भी पैसा बाजार में आए, इकोनॉमी ग्रो करनी ही करनी है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा वो मार्केट में उतर रहा है ना। देखिए बैंक के पास जमा पड़ा है वो मार्केट में नहीं है, RBI के पास जमा पड़ा है वो मार्केट में नहीं है, वो सेफ्टी है, लॉक में है एक, लेकिन वही बाजार में मार्केट में पैसा फ्लोट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो पैसा चल रहा है इकोनॉमी में, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, कभी कुछ उस पैसे से करा जाएगा, कभी कुछ करा जाएगा। आप देखोगे आपके पास अगर कोई चीज पैसा है, कोई चीज ले रहे हो, वो बंदा भी आगे कुछ ना कुछ करेगा, ये मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है, इससे पैसा कोई दबा के बैठ जाए, जो 2000 के नोट कोई दबा के बैठा हुआ था वो लिक्विडिटी कम हो रही थी, मार्केट से पैसा गायब हो रहा था, उसी वापस लाने के लिए ये सब करा गया RBI द्वारा, जो कि पूरा सक्सेसफुल रहा। अब यहां से बैंकों को जो मुनाफा होगा उससे आप कैसे मुनाफा बना सकते हो उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है सबसे बड़ी बैंक के ऊपर, HDFC बैंक के ऊपर। HDFC बैंक के स्टॉक की बात की जाए तो इस शेयर को तो मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू शेयर करता आया हूं, और अभी भी मेरा व्यू बुलिश है, हालांकि अभी तक इस स्टॉक ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, एक साल से मैं आप सभी के साथ इस पर बात कर रहा हूं,
1500, 1480, 1580 हर लेवल पे मैंने आपके साथ शेयर किया है। 1623 पे मर्जर कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, बैंक बहुत अच्छा कर रही है, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा है, कंपनी में ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, बट शेयर का प्राइस नहीं चला। ये पकड़ के रखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये जितना बड़ा कंसोलिडेशन है ना, उतना बड़ा ब्रेकआउट होगा, मिनिमम 2000 जाएगा ये शेयर, आप मेरी बात नोट डाउन कर लो, इसको बिल्कुल नहीं बेचना है। दूसरा, कोटक बैंक की बात की जाए तो इनके एमडी सीईओ ने जो 31 दिसंबर को रिजाइन देना था, उन्होंने क्या करा, अभी रिजाइन दे दिया जल्दी, इसके चलते बीच में अभी जो नियुक्त करे गए थे एमडी सीईओ, उनको आरबीआई की तरफ से अप्रूवल आ गया है परमानेंट टेम्पररी रीजन पे 31 दिसंबर तक के लिए। अभी बात की जाए यहाँ पे कंपनी के स्टॉक के बारे में, तो 1800 के समथिंग ट्रेड कर रहा है 1793 पे, यहाँ कोई डिप आती है तो लेना चाहिए। बाकी उदय कोटक जी इस बैंक को एक बहुत बड़ा बना के गए हैं, एक एनबीएफसी को एक बैंक बनाया, फुली फ्लैज बैंक, तो उनका रोल बहुत बड़ा है इस स्टॉक में, तो उनका रिजाइन देना डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक के लिए बहुत नेगेटिव है। अब ये जो नए अभी तो नियुक्त हुए हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए, केवल 3 महीने के लिए करे गए हैं, बाकी आगे देखते हैं इन्हीं को आगे बढ़ाएगी बैंक, कोई और आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, या पॉइंट कौन होता है वो देखने वाली बात है। उसके बाद देखना है दीपक गुप्ता जी, जिनका नाम है एंटम एमडी और सीईओ भी बनाया गया है, अगर आगे भी इन्हीं को नियुक्त किया जाता है तो कैसा काम कर रहे हैं, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। बट डेफिनेटली आपको एक एसबीआई पे, एचडीएफसी बैंक पे एंड इंडसइंड बैंक पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, इन 3-4 बैंकों पे ध्यान दीजिए, छोटी बैंकों को आप अवॉइड करो। और पीएसयू में तो अनाप शनाप तेजी चल रही है वहां पे, तो चाहे यूनियन की बात की जाए चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, पता ही नहीं चलता कब कौन सा 8-10% भाग गया, तो उनसे मैं थोड़ा सा दूर रहता हूं। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ पसंद दोनों आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।